पंजाब का नए माली साल का बजट 53 खरब 70 अरब रुपए होने का इम्कान है। पंजाब को 3700 अरब रुपए विफाक से NFC के तहत मिलने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत नए माली साल में मजीद 100 अरब रुपए का कर्ज लेगी। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब का नए माली साल का बजट 53 खरब 70 अरब का होने का इम्कान। पंजाब में ज़राए आमदन के मद में महसूलात का हदफ 1026 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों के मद में 596 अरब और पेंशन के मद में 445 अरब रुपए रखे जाएंगे। सर्वर्स डिलीवरी अखराजात का तखमीना 840 अरब रुपए होगा। लाहौर के तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए करने की तजवीज़। रमजान पैकेज 30 अरब रुपए, CBD को 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हीरेला रोशन घराना के लिए 9 अरब रुपए रखे गए हैं। अपनी छत अपना घर के लिए 7 अरब, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए 40 अरब, जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब और PRA के लिए 300 अरब का हदफ रखा गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 105 अरब रखा गया है। एक्साइज के लिए 55 अरब, बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए 121 अरब रखे गए हैं। गैर सूबाई महासल में पंजाब का हदफ 555 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमी की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा विफाक के बराबर होगा। बजट में कर्ज लेने की सिफारिशात भी शामिल हैं। रोड, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स के लिए कर्ज लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमराह इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।